मॉर्निंग गाइस, और हम आज छत पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। देखो, जैसे आप लोगों ने भी पहले देखा होगा, हम लोग चाय वाय लेके बैठे हुए हैं। ये रही हम लोगों की चाय, और मम्मी और भाभी ये बैठी। तो गाइस, सुबह की यहाँ पे चाय बन चुकी है मस्त एकदम बढ़िया तरीके से। ये रही, और चूल्हे की चाय का भी स्वाद यार अलग ही है सच्ची में। थैंक यू मम्मी, थैंक यू भाभी। तो अभी हम बैठ के सब बैठे हुए थे। सही है, एक काम करो, इस पे बनाने स्टार्ट कर दो। गैस भी बचेगी थोड़ी सिलेंडर की। सिलेंडर है ही नहीं हमारा, सिलेंडर खत्म हो रहा है। सिलेंडर हाँ, वैसे भी खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रखी है सिलेंडर की। तो इसलिए हम लोग चूल्हे की बात ही कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल, चाय हो या खाना हो कुछ भी हो। हाँ, खाना वाना भी हम लोग ऊपर ही बनाएंगे। चलो, और सुबह के बच्चों को इस वक्त नौ। चलो एक काम करते हैं, फिर चाय पिए मम्मी, चाय पीने के बाद मिलते हैं। मौसम भी आज ठंडा हो रहा है। हाँ, मौसम देख रहे हो तुम कैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश जैसा। नहीं, फ्रंट वो कर रखे हैं तो मौसम एकदम देख रहा हूँ। मौसम चूल्हे तो दिख रहा। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। ज्यादा इसमें फ्राई होएगी ना, तो ओ भाई यहाँ पे फ्राई होएंगे भाई। एक्चुअली आज का ये ब्लॉग थोड़ा मेरा दोपहर में स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून में, क्योंकि हम लोग सब बैठे होते हैं। और एक दुखद समस्या क्या है, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। हमारे घर पे ना सिलेंडर खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई, सॉरी। तो अभी हम लोग सब बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि खाना वाना अब क्या करें, कैसे करेंगे, क्योंकि मम्मी बुक तो कर दिया ना हम लोगों ने। मम्मी तो बुक हमने आया नहीं है, बुकिंग हो रखी है पहले से। अच्छा, बुकिंग कर रखी है पहले। तो यहाँ पे छत पे आज खाना पीना चल रहा है भाभी। क्या बन रहा है खाने में? ये मम्मी पकौड़ी बना रही है, वो देख रहे हो आज चूल्हे पे ऊपर बन रहा है। और सिया तबीयत ठीक है बाबू तेरी? इसके देखो तू क्यों शांत है, ये सुबह सुबह उठा ये लड़का, और इसके क्या नाम है, मुंह पे क्या हुआ, कनफेड। तो भाई से कनफेड को बोलते हैं, जो क्या नाम है, गालों के अंदर वो हो जाता है, टॉन्सन्स हो जाते हैं गले के अंदर। गुनगुन के भी हो गए थे कुछ दिन पहले, ये एक इन्फेक्शन चल रहा है। हाँ, डॉक्टर ने बताया था। तो रुद्र को भी थोड़े से यही इस चीज की दिक्कत हो गई। रुद्र पीछे हो जा भाई, तो अभी दवाई लेके आया रुद्र है। रुद्र तो चलो, अभी यहाँ पे जो चीज बननी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। देसी स्टाइल में आज खाना बनेगा। मम्मी खाना वाना भी ऊपर ही बनेगा, तेज करो। नहीं नहीं, धीमे रखना। क्या कह रहा? मैं कह रहा खाना वाना ऊपर ही बनेगा। पलट मैं देता हूँ, मैं एक हाथ करूँ। ध्यान से करना भाई, देख के। मैं कह रहा खाना वाना ऊपर ही बनेगा मम्मी। ये वाला, क्योंकि वो दूसरा चूल्हा ठीक था। I'm not interested यार, मुझे सुनना है काम करने में। दोनों सास को पूरा मजा आ रहा है गैस के आगे काम करने में। ये सॉरी, चूल्हे के आगे काम करने में। भावनाओं में मत लेओ, गांव वाला फील आ रहा है। मैंने चार कपड़े ऊपर पहन के तीन, और मारा एक टमाटर दिखाओ। यहीं से, यहीं खेती करते हैं हम, और यहीं पे बना देते हैं। आप तो घर खेती घर पे ही कर रहे हैं। क्या कह रहे रुद्र तू? सॉरी चार कपड़े। अरे ओए, तेरे पैंट दिख गई। धोबी तेज हो रही है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे टमाटर भी कितना बड़ा हो गया। ये देखो, अब इनका मैंने यहाँ पे याली बेल और लगा दी, और ये गेंदे का फूल और लगा दी यहाँ पे मैंने, गेंदे का पेड़, ये तुलसी माता, और ये टमाटर देखो कितना सही हो गया गाइस, देख रहे हो कितना सही, एकदम रेड रेड हो गया। अब तो खेती घर पे करेंगे रुद्र, है ना। सब्जी वाले से कॉन्टेक्ट, सब्जी वाला बन के तू मेरे साथ रहेगा। ले लो, ले सब्जी ले लो। सीए की तबीयत खराब हो रही है, क्या हो गया, कुछ तो हुआ ही होगा। कोल्ड्रिंक पी के आई है भैया। अब तेरे को जो होगा ना, तो अपने आप देखियो, मैं पापा को बोलूंगा तेरे, सच्ची ये मत सोचियो कि मैं कैमरे के सामने बोलूं। नहीं भाई, उई क्या है, वो लग गई पतंग, लग गया भाई यार, ये बड़ा रिस्क वाली बोल रही है। लग गया होगा यार, चूल्हे में खाना बनाते हैं ना, पता नहीं कितने बार होता है, आपके भी हो गया। चलो देखते आज क्या बनता है खाने में। क्या बना, जो मम्मी ने यहाँ पे बनाई है पकौड़ी, प्याज की या आलू की है? आलू की लिख रही है तो। अच्छा, दोनों की है। चलो भाई, टेस्ट टेस्ट यहाँ पे आलू की पकौड़ी बन गई है, आलू की और प्याज की। वाह, ये भी पकड़ लेगा आज ध्यान से। ये देखिए गाइस, ये आपको अंधेरे अंधेरा दिख रहा है ना, ये हम लोग रात को बैठ के आज छत पे हम लोग सब बैठ के डिनर करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, शेंग भाई भी अपने ऑफिस आ गए, जतिन भी अपने ऑफिस से आ गया, भाभी और मम्मी, और
मुझे तो आप लोग जानती है, बताने की जरूरत नहीं है वैसे भी। तो भाई क्या बनना है आज? पहले सबसे पहले बननी है जतिन के आते ही चाय। जतिन को आती है ऑफिस से चाय चाहिए होती है भाई, ये बड़े लोग हैं। हमारे कहने से नहीं बनती, नहीं बन जाती है। सॉरी ओ भाई, यहाँ पे पूरा सेटअप बैठा फुल ला रखा, देख रहे हो पहले अपना इंतजाम ला रखे कि नीचे जाने का। हाँ अरे बोम फायर और क्या चलेंगे। तो भाई आपके जो न्यू ईयर पे हम लोग मस्ती करने वाले ना, मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने सोच रही कि ना यहाँ पे एकदम मस्त यार, ये इस जगह पे ना मतलब हम लोग खूब काफी सही वो रखेंगे, क्या नाम है, लाइटिंग वाइटिंग करेंगे। और जो आप लोग देखोगे ना, आपके जो ये ब्लॉग होगा मेरे सबके साथ होगा, फैमिली के साथ मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगा पहली बार, वरना मैं हमेशा दोस्तों के साथ ही बाहर शूट करता था, लेकिन अब क्या मैं सोचा कि सबके साथ ही मैं बैठ के सेलिब्रेट करूं। क्या निकलेगी अच्छा, आज इसके नीचे जाएगी ना। हाँ मम्मी नहीं, उंगली दे दो। ओ भाई गरम गरम माँ का लज्जे में कैसे, माँ को बोलते थे पता क्या बोलते थे माँ को पिताजी, क्या है माँ गई ना तुम्हारी की तरह स्लिप पता, बर्तन गिरे कहीं से कुछ गिरा कहीं से कुछ तोड़ दिया। अच्छा पिताजी बोलते थे शायद तेरे छठी बेटी में पूछ रहा थी क्या किचन में गई और तोड़ फोड़ चल हुई बस फिर तुम लोग कर मना। मैं तो घर का हर सफाई ने एक यहाँ नहीं कर दी है वो जो कप कप बराबर कर दिए ट्रे बराबर कर दी तो भाई आज मस्त मजा आने वाला है। नक्शा बदल रखा है वो पीछक के बेचारा यूं हो रहा वो तो ऊपर से गिर गया, मेरी गलती है। उसको देख नहीं रहता है भाभी के लाडले देवर। तो भाई आज फुल मजा आने वाला है, देख रहे हो क्या मस्त तरीके से आग जली। और आज आग के आगे बैठने के बाद ना उठने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। थोड़ा सा इधर जतिन को जाओ भाई, जतिन को सबसे सस्ते वाला टिकट दे रखा, जतिन को आगे करो। लेकिन हमारे पास पता है चूल्हा भी था वो ने, लेकिन टूट गया मिट्टी वाला। ये एक्चुअली में नानी ने दिया था, है ना मम्मी, नानी ने दिया था ना, मामी की मम्मी ने, उन्होंने दिया था मम्मी को कि लो भाई तुम ले लो। तो बस तो नानी बहुत बहुत थैंक यू अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो तो। नानी देखती है तेरा ब्लॉग। हाँ नानी देखती है ब्लॉग वगैरह। तो भाई के साथ साथ वो छोटे छोटे वो है ना वो जरूर देखते हैं वो मेरा ब्लॉग भाई, रियान और पीयू वो बहुत ब्लॉग देखते हैं मेरा। उनकी मम्मी बता मामी मतलब बताती रहती है कि वो घर में पूरे दिन ये करते हैं विपुल सिंह व्लॉग, वो ऐसे बोल बोल के मेरा पूरा रिप्ले करते रहते हैं पूरे दिन ब्लॉग्स को। ओ भाई आग देख लो क्या आग बढ़िया उसमें चल रही है मुंड में। ओ अच्छा भाई अपने यहाँ पे लग चुका है खाना, और खाना बहुत टेस्टी है सच्ची में, चूल्हे के आगे बैठ के खाने में मजा ही कुछ हो रहा है। मम्मी मम्मी गरम गरम रोटी सेक रही है, सब लोग बैठ के खाना खा रही है। सिंह भाई मजा आ रहे हैं भाई, मजा आ रहा है इस बात के लिए जरूर नीचे कमेंट बता, लाइक करना है इस बात के लिए। तो बाबू की 1500 वोल्ट की। अच्छा ये रोड खराब हो गई थी गाइस, हमारी ना रोड खराब हो गई थी आज सुबह, उसका तार हमेशा ऐसा हो जाता है जैसे झड़ने वाला हो। तो रोड हमारी खराब हो गई थी आज, हम नई लेके आए हैं। लेकिन एक चीज मैंने सीखी है ना लाइफ में, हाँ भाई लाइफ में ना मतलब सब काम आने चाहिए पता है, एक बात तो मैंने सीख ली। जैसे कि मम्मी मम्मी अपना सही बताओ आपने कहाँ से सीखा है सब खाना बनाना गैस वैस पे? देख देख ये बताओ ना आप गांव में रहते थे पहले सच? मम्मी साइल मार दिए जान बूझ के चालू होगा। क्यों आप पहले नहीं रहे कुछ टाइम थे जब पिताजी थे? अरे तो दादा दादी थे चले जाते थे मिलने, पिताजी तो राजस्थान में थे। हम लोग अच्छा मौजपुर में रखते तो थे। मतलब आप लोगों के पास भैंस वगैरह तो थी ना? तो मौजपुर में रखते थे ना। अच्छा मौजपुर में रखते थे भाई वाह, बताओ फिर तो आप भैंस को खूब निलाते उलाते होंगे सब कुछ। अच्छा अगर आप क्या नाम अगर अब होती तो करने के लिए अब भैंस वैस होती तो आप कर लेते आप? हाँ ये बात तो मम्मी की जितना काम ना कोई कर नहीं सकता, इस बात के लिए तो मम्मी के लिए सैल्यूट है। मम्मी की पता है इवन यहाँ पे मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी देख रहे हो इतना काम करती है बुखार हो रहा है देख रहे हो। अरे ये एक्साइटमेंट है और कुछ नहीं मम्मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
हाँ अभी तो हम नहीं जान सकते क्यों क्योंकि ज्यादा खतरों की कर जाओ।